अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे तो आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं अगेन आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ये है सुजुकी पार्ट्स पे, और जो गाड़ी मैं आपको आज दिखाऊंगा वो है कैपर, और इंशाल्लाह इसके मैं पार्ट्स आपको दिखाऊंगा जो बड़ी अच्छी कंडीशन में पड़े हुए हैं और अभी फ़िलहाल न्यू ही क्या नाम है परचेज़ किए हैं, ठीक है। और दूसरा ये भी बताता चलूँ कि अब जो पार्ट्स आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना महंगे आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि अब अगर आपको पूरी कैपर भी चाहिए ना, पूरे खैबर का सामान भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो चले लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा ये नीली आई है खैबर, ठीक है, और उसके ये दोनों फेंडर हैं, ठीक है, ये दो फेंडर हैं इसके, और बाकी मैं चीजें आपको क्लियर हो। अच्छा उसके बाद इस गाड़ी का आ गया जी बोनट, ये बोनट चेक करें, ये जी बोनट है इसका, और इसकी मैं कंडीशन आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा पिछली वायरिंग ये देखें, वायरिंग ये देखें, ये जी इसकी एक डैशबोर्ड चाहिए मुकम्मल, अंदर से कंडीशन अंदर से भी ठीक है, देख ले रस्ट इसे कहीं से नहीं है, ठीक है, रस्ट इसे कहीं से नहीं है। ये तकरीबन सारे जो इस टाइम ये पड़े हुए हैं ना, ये खैबर के ही पड़े हुए हैं बोनट वगैरह, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, ये गोल्डन गाड़ी भी मैं आपको पहले कई बार दिखा चुका हूँ, ये उसका डैशबोर्ड बाकी व्हाइट कलर के पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये अब ये वाली गाड़ी नहीं है ये, और इसके ये दोनों फेंडर इन्हें भी कहीं से रस्ट नहीं है, ठीक है, ये भी आपके सामने है। ये देखें इसे कहीं से रस्ट नहीं है, बिल्कुल ओके है, ठीक है। उसके अलावा ये वाइट कलर भी पड़े हुए हैं, और ये ब्लू गाड़ी की छत है विद पिलर, वो पिलर आप देख सकते हैं कहाँ तक वो पिलर है, ठीक है जी। ये मुकम्मल पिलरों के साथ ही इसकी छत है, और ये सिर्फ यहाँ से इसे ना डंट पड़ा हुआ है, क्योंकि सामान जब कंटेनर में आता है ना तो इन चीज़ों को जो है ना नुकसान थोड़ा बहुत पहुँचता है, ठीक है। और उसके अलावा इसके मैं दर से आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये चीज़ें जो है ना ये देखने वाली हैं, मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ इसकी ये चीज़ें आपने चेक करनी है पिलर अंदर से, ठीक है। और ये इसके अंदर से छत भी आप देख लें, जो जो सामान इसका है वो साथ ही होगा, ठीक है। ये मुकम्मल देख लें छत अंदर से, ये देख ये वाला सेंटर पिलर इसका, ठीक है। और उसके बाद बाकी मैं आपको पीछे वाला सारा पिलर दिखाता हूँ, ये इसका सारा पीछे वाला पिलर है, ये देखें, ठीक है, ये देखें, अच्छा जी ये कल्टस का डैशबोर्ड है, ठीक है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, और मैंने सोचा आप लोगों को कल्टस का भी मैं दिखाता चलूं। ये मुकम्मल डैशबोर्ड है जो तकरीबन हमारे 2015-16 तक ये मॉडल आया था, ठीक है, उसके बाद बंद हो गया था, ये देखें ये कल्टस का डैशबोर्ड आ गया, और ये इसकी मीटर की कनेक्शन है, ये मीटर की कनेक्शन है इसकी, ठीक है। और ये ऊपर से आप एसी ग्रिल वगैरह चेक कर लें, उसके बाद ये एसी ग्रिल्स आप चेक करें, ये सारी वर्किंग है, ठीक है, कहीं से डैमेज नहीं है। ये पैनल मैं आपको मुकम्मल दिखा रहा हूँ, ये मुकम्मल चेक कर लें, एसी का ये सारा सिस्टम है इसका, ठीक है, ब्लोअर वगैरह को रन करने के लिए। उसके बाद ये इसमें ऑडियो टेप लगी हुई है, और नीचे वो लेटर बॉक्स और स्पेस एस्ट्रे, ठीक है। ये ऊपर से मैं आपको इसका पैड दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये पैड भी आप चेक कर लें, ये पेंटेड नहीं है, ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। ये जो आपको बीच में कट्स नज़र आ रहे हैं ना,
ये ओरिजिनल की निशानी है, पेंट हुआ होगा तो आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये आप चेक कर सकते हैं, ओवरऑल कंडीशन इसकी बिल्कुल अच्छी है। और घुमाना थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं तो मैं आपको बैक साइड भी दिखा दूँ। ये पीछे से भी आप देख लें, जिस तरह से भी नज़र आता है। अच्छा, तो ये खैबर का डैशबोर्ड है, इसकी चल रही है डील, ठीक है। इस डैशबोर्ड की अभी डील चल रही है, कस्टमर खड़े हुए हैं, उन्हें ये सारा चेक करवाया, स्विचेस वगैरह हर चीज़ की वर्किंग है, ठीक है। और इसके बाद ही इसके वाइपर स्विच वगैरह ये सारे वर्किंग है, ठीक है। ये सारे स्विचेस इसके वर्किंग है, ठीक है। आपके सामने मैंने ये प्रेस किए हैं, बिल्कुल ओके हैं। और ये मीटर कंडीशन है इसकी, ये देखें जी, एसी का स्विच भी है, वो भी वर्किंग में, ठीक है। ये प्रेस हो रहा है, एसी के ग्रिल्स इसकी, ये देखें, ये भी इससे मुकम्मल है। नॉब्स वगैरह इसकी, ब्लोअर वगैरह की, सारा कुछ ओके है। ये आप देख सकते हैं सारी लगी हुई है। तो ये इसका पैड चेक करें, ये पैड की कंडीशन है इसकी, ये वाला भी डैशबोर्ड की। अच्छा, मैं इनकी प्राइस आपको बता देता हूँ, ये भी 40,000 का डैशबोर्ड है, और जो मैंने कल्टस का दिखाया ये वाला, ये भी आपको 40,000 का मिलेगा। ओवरऑल कंडीशन आपके सामने है इसकी, इनके साथ फिलहाल अभी डील चल रही है। अच्छा, तो ये इसके भैया दरवाजे हैं फैबर के, ये डैशबोर्ड कहना दरवाजे हैं, ठीक है। ये जो नीली गाड़ी दिखाई थी, ये उसका इंटीरियर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट दरवाजों के साथ ये चारों दरवाजे पड़े हैं, ठीक है। ये पूरी गाड़ी आई है, अच्छा एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके पास भी शरार है, तो वो ढूंढ रहे थे शरार के लिए इसी मॉडल का अंडा शे में, वो उनकी गाड़ी है, और वो ये बम्पर देख रहे थे, तकरीबन काफ़ी सामान उन्हें चाहिए था, ठीक है। ये बम्पर मैं अगेन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में और बड़ी अच्छी कंडीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी कंडीशन में पड़ा हुआ है, और नक्के वगैरह हर चीज़ इसकी मुकम्मल है, मुकम्मल है। ये कंडीशन ओवरऑल है, कहीं से ये डैमेज नहीं है, ठीक है, बड़ी अच्छी कंडीशन में पड़ा हुआ है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि शरार्ड किसी भी मॉडल का आप सामान लेंगे ना, तो इस टाइम पे मार्केट में एक तो शॉर्ट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा मिलना बहुत मुश्किल है, और मिलेगा तो एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। ये आपके सामने है, बाकी मैं शॉप पे जाके आपको इसका नोज कट भी दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये देखें जी, इस गाड़ी का मैंने सामान आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। ये आप इसकी सबसे जो मेन है ना यार, इसके बाहर की जो गाड़ियाँ ना, इनके बम्पर की आप कंडीशन चेक करें, ठीक है। इनकी कंडीशन देखने वाली है, जो पाकिस्तानी आते हैं वो तो जगह जगह से फूले होते हैं, इसकी आप कंडीशन चेक करें, ये देखें ओवरऑल। और ये मुकम्मल नोज कट है, रेडिएटर कंडेंसर वगैरह इसके साथ होंगे, बाकी लाइट्स आप देख लें, और ये मुकम्मल नोज कट का आप देख लें। ये ब्लू कलर की गाड़ी का सामान आया है, जिसे भी सामान चाहिए होगा कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा मुझे। अगेन मैं आप लोगों को ये शरार्ट का नोज कट दिखा रहा हूँ, एक भाई है उनकी डिमांड पे, उनको शरार्ट के लिए सामान चाहिए था। और बाकी ये है कि यार, इन गाड़ियों का सामान जो है ना, अब नहीं आ रहा, सामान आपको मिलेगा, ठीक है, मगर थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि पहले की बात और थी रेट्स की, मगर अब जो है ना, आपको भी पता है कि जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात हुए पड़े हैं, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। ये मुकम्मल नोज कट है,
और बड़ी साफ सुथरी कंडीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। कहीं से इसे क्रैक नहीं है, कहीं से ये प्रेस नहीं है, बिल्कुल जीरो जीरो है। बड़ा प्यारा बम्पर है ये, और ये देखिए इसके आपको बोनट डिग्गी छत दोनों फेंडर, ठीक है, बैक इसकी ये सारी आपको मिल जाएगी। और फिर अगेन बताता चलूँ कि इसका सामान जो है ना बहुत महंगा है, ये रेडिएटर कंडेंसर वगैरह इसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कहीं से इसे रस्ट वगैरह नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा पीस है। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ जो बेल आइकॉन है इसे लास्ट में प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। और मुझे फीडबैक लास्ट में दीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।